बिहाइंड दिस सिनेमा। वेल, मुझे बहुत इंतजार रहता है कि कब मैं आपसे मिलूं और कब एक और फिल्म की कहानी मैं आपको बताऊं। हाय, दिस इज आरजे सिमी एंड दिस इज बिहाइंड द सिनेमा। और आपको पता है आज हम किस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं? सोचिए जरा, किसी मूवी का फिल्म अडैप्शन बने और जिन्होंने ये नॉवल लिखा है उन्हें जरा भी पसंद नहीं आए और लेटर ऑन ये फिल्म इंडियन सिनेमा की मास्टरपीस बन जाए, है ना इंटरेस्टिंग? जी हाँ, यही एक कहानी है हमारी आज की फिल्म बेस्ड ऑन आर के नारायण 1958 में आई नॉवल दी गाइड के साथ। अब दी गाइड के बारे में ही आज हम बात करने वाले हैं। तो हुआ ये था कि जो ऑथर है आर के नारायण, उनको अपनी नॉवल का फिल्म अडैप्शन बनाना था पर वो पसंद नहीं आया, जो कि 1965 में गाइड बन रही थी। और उन्हें फिल्म जिस तरह से बन रही थी, वो जो पूरा प्रोसेस था, उन्हें लगा कि नहीं, स्क्रीन पे ये शायद अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन बाद में हम सब जानते हैं, आज तक गाइड इंडियन सिनेमा की मास्टरपीस मूवीज में से एक आती है, अमॉन्ग द बेस्ट वर्क ऑफ इट्स स्टार्स विच इज देवानंद एंड वहीदा रहमान। SD बर्मन साहब ने इसमें अपना बहुत ही शानदार आइकॉनिक म्यूजिक दिया था। अब बात यह है कि गाइड के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, जो मुझे बहुत पसंद आई थी, गाइड हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनाई गई थी। हिंदी वर्जन वॉज डायरेक्टेड बाय विजय आनंद, जो कि एक ब्लॉकबस्टर रही। इंग्लिश वर्जन वॉज रिटन बाय पर्ल एस बक। हिंदी जो वर्जन था उसे लोगों ने बहुत पसंद किया, बट जो इंग्लिश वर्जन था उसे उसकी पहचान मिली रिलीज होने के 42 इयर्स बाद, जब 2007 में इंग्लिश वर्जन को कांस फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीन किया गया, तब जाकर बात बनी। और सबसे प्यारी चीज इस फिल्म के बारे में, इस फिल्म का जो प्लेलिस्ट है वो काफी ज्यादा बेहतरीन है, काफी लोगों को आज भी पसंद आता है। आज भी लोगों के कहीं ना कहीं कोने में ये गाना डेफिनेटली हमारे अंदर छुपा है, आज फिर जीने की तमन्ना है। ये गाना वहीदा जी पे पिक्चराइज किया गया था, जिसे राजस्थान के चित्तौड़गढ़ फोर्ट में शूट किया गया था। सीन, अगर इस गाने के वीडियो में अगर आप जाते हो तो वहाँ पे एक सीन आता है जहाँ पे वहीदा जी का जो रिफ्लेक्शन है, उनके रिफ्लेक्शन को मिरर के थ्रू पानी में दिखाया गया है, एंड विच वॉज इंस्पायर्ड बाय द लेजेंड अलाउद्दीन खिलजी, जो कि रानी पद्मावती की जो परछाई है उन्हें मिरर में देखता है। अगर आपको ये सीन किसी फिल्म के बारे में अगर आपको याद दिला रही है, पद्मावत संजय लीला भंसाली की जो फिल्म थी, जहाँ पे रणवीर सिंह दीपिका पादुकोण से मिलने आता और दीपिका की परछाई उन्हें दिखाई जाती है, एग्जैक्टली ये सीन इस मूवी में भी था। एंड मूविंग ऑन टू अनदर क्लासिक स्टोरी, अब SD बर्मन देव साहब के सबसे फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर थे, लेकिन फिल्म बनने के टाइम पे जब ये फिल्म का स्कोर तैयार कर रहे थे, इनकी तबीयत खराब हो गई और देव साहब ने कहा कि नहीं नहीं, अब बनाएंगे इस फिल्म का गाना तो बर्मन साहब ही बनाएंगे, नहीं तो कोई नहीं बनाएगा। और एक गाना है इस फिल्म में जिसकी पहली लाइन वॉज दिन ढल जाए, वॉज रिटन बाय हसरत जयपुरी, और फिल्म के जो ओरिजिनल लिरिसिस्ट है देव साहब और विजय आनंद को उनकी राइटिंग ना को ज़्यादा पसंद नहीं आई थी, क्योंकि उनको वेट करना था। और फिर जयपुरी साहब ने कहा कि अगर आप बार बार चेंजेस कराते रहेंगे देन आई हैव टू क्विट, और फिर उन्होंने बैक ऑफ कर दिया कि मैं गाने नहीं लिखने वाला। एंड शैलेंद्र साहब ये आए, इन्होंने लिरिक्स पर टेक ओवर किया एंड ही वॉज वेरी अनहैप्पी, क्योंकि सेकेंड चॉइस, ऑफकोर्स अगर आपको पहले पता चले कि कोई बहुत ही लेजेंडरी लिरिसिस्ट गाने लिख रहा है और उसके बाद आप तक पहुंचती है, और आप भी काबिल हैं, बहुत ज़्यादा काबिल हैं, आपके भी गाने लोगों के दिल तक पहुंचते हैं, तो आपको थोड़ा सा बुरा लगेगा। लेकिन ही केम अप विथ अ हाई कोटेड, वेरी हाई कोटेड फी, और वो गाना गाता रहे मेरा दिल। और ये जो एक एक करके वो उन्होंने गाने जो निकालते गए, शैलेंद्र साहब ने जयपुरी की जो वो लाइन थी दिन ढल जाए, इसे अपने गाने से हटाया नहीं। वो कहते ना, थोड़ा सा नमक देना बहुत ज़रूरी है। सो अगर गाइड अगर आपकी लिस्ट में अभी तक नहीं है तो उसे शामिल करिए, क्योंकि देव साहब की और विजय आनंद साहब की बहुत ही बेहतरीन मूवी आपको देखने को मिल सकती है। एंड ऑल्सो ये मूवी हमें काफ़ी सारी इंस्पायरिंग स्टोरीज भी बताती, काफ़ी सारी इंस्पायरिंग ऐसी मुद्दे हैं जिस पर ये बात करती है, लाइक मिसअंडरस्टैंडिंग, सेपरेशन, रोमांस, अनकंडीशनल लव, एस्पिरेशन, और भी बहुत सारी चीज़ें। सो कभी वक्त निकालिए और गाइड की एक टूर मार लीजिए, आई एम श्योर आपको ज़रूर पसंद आएगी।
तो चलिए आप गाइड के मजे लीजिए, आप गाइड देखने का प्लान करिए और मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ। बिहाइंड दिस सिनेमा।